एक अच्छी क्वालिटी का बैग आपके सफ़र को आसान बना सकता है, आपकी डेली लाइफ को ईजी बना सकता है। और उसी कोशिश में आज हम देखेंगे एक और बैग को। अमेजन सेल के अंदर एक सही प्राइस में मुझे ये दिखाई दिया एंड मैंने इसको बाय किया। अब देखते हैं कि क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई कर पाएगा। परंतु आप पूछेंगे कि कितना प्राइस था, तो चलिए सबसे पहले प्राइस की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे 1900 के आसपास ये सेल के अंदर दिखा रहा था, कुछ ऑफर्स लगा के ये मुझे लगभग 1800 रुपये 1780 के रुपए के आसपास मुझे पड़ा है। अब 1800 या 1900 बगैर सेल के भी शायद इतने प्राइस में मिल जाना चाहिए। अब देखेंगे कि क्या ये इस प्राइस को जस्टिफाई करता है और किस किस के लिए सही हो सकता है। अब बात यूजिबिलिटी की करें तो हर आदमी का अपना अलग यूज होता है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे एक एक कंपार्टमेंट इसके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हैं, और आई थिंक पूरा वीडियो देखने के बाद आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ये आपके लिए कितना सही रहेगा। तो चलिए देखते हैं। अभी तक शायद ब्रांड नजर नहीं आया, बाहर निकालते हैं और देखते हैं। इट वॉज फ्रॉम रेड लेमन बट नो वेयर रेड लेमन इज रिटर्न। तो ये है बेंगे बेंजे जो भी आप कह सकते हैं रेड लेमन का ही है। शुरुआत करेंगे फ्रंट से ही। फ्रंट में यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये एक पॉकेट नज़र आएगी छोटी सी, तो इस तरीके से। मटेरियल की बात करें तो वाटरप्रूफ मटेरियल नज़र आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे ये प्लास्टिक के दिए गए हैं एंड इस प्लास्टिक की आई थिंक लेयरिंग है, उसके नीचे ये मेटल के हैं, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। एंड इसको कवर करने के लिए यहाँ से ये इस तरीके से पार्ट बनाया है। कुछ आप चीज़ें रखना चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं। बाहर की पॉकेट बहुत यूज़फुल होती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ऐसी एक पॉकेट यहाँ पे भी दी गई है बाहर की तरफ। इसके अंदर भी चेन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और अंदर से क्वालिटी की बात करें तो देखिए ये पूरी तरह से इन्होंने सिलाई इसकी अच्छे से कर रखी है। आमतौर से बैग्स के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, स्पेस काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से ये इस टाइप से बना के उन्होंने इतनी हाइट तक का, ये है लगभग 1 इंच की हाइट का है, तो 1 इंच की हाइट के साथ ये एक अच्छा स्पेस हो जाता है। सेम टाइप से ये एक दूसरी पॉकेट भी यहाँ पर दी गई है, दो पॉकेट हैं और काफ़ी स्पेसियस हैं, और काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे पावर बैंक हुआ या इस तरह की कोई भी चीज़ है जो आप बाहर यूज़ करनी है, बार बार यूज़ करनी है तो वो आप डाल सकते हैं, या आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर यूज़ कर सकते हैं। एक ये कंपार्टमेंट यहाँ पे दिया गया है, और देखिए ये 180 तो नहीं ओपन होता बट काफ़ी अच्छे से ओपन हो जाता है, ईजिली एक्सेसिबल है। और ये देखिए काफ़ी स्पेस है इसके अंदर भी, और इस टाइप से तो काफ़ी स्पेस यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे देखें तो आपको एक पॉकेट यहाँ नज़र आती है जिसमें आप कोई सामान रख सकते हैं, एक पॉकेट यहाँ पे, एक पॉकेट ये, और यहाँ पे ये एक मैस पॉकेट जिसके अंदर आप अपने पेपर्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये भी जिप काफ़ी अच्छी है। की वगैरह के लिए यहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं दिया गया है। ये हाइट है इसकी लगभग 1.5 इंच के आसपास की हाइट है, और मटीरियल अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे भी क्लोथ टाइप से महसूस होता है, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो एक ये कंपार्टमेंट है, अब इसको करते हैं बंद। एक कंपार्टमेंट और है ये वाला, एंड ये भी पूरा 180 ओपन नहीं होता बट इस तरीके से है, आप लैपटॉप यहाँ पे अपना रख सकते हैं। देखिए ये काफ़ी स्पेस है, और लैपटॉप रखने के लिए ये इस टाइप से, और ये इलास्टिक का है सो दैट कि आपका लैपटॉप थिक हो तो उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस टाइप से बनाया गया है, और यहाँ पे ये ब्रांडिंग दी गई है। ये काफ़ी सॉफ्ट रखा गया है, और लैपटॉप के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सॉफ्ट है सो दैट किसी टाइप की डैमेज उसको ना हो। और लैपटॉप के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि वो नीचे जब आप बैग इस तरीके से रखते हैं तो यहाँ से आमतौर से बैग टच होता है, तो इस तरीके से भी रखेंगे तो ये बैग टच नहीं होगा, तो उस केस में काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ से देखें तो इसमें भी काफ़ी स्पेस यहाँ से मिल जाता है, लगभग 4 इंच से ज़्यादा की मोटाई है, लगभग 5 इंच के आसपास की मोटाई है इसकी, तो इतना सामान यहाँ पर भी आप रख सकते हैं इस टाइप से। एंड सिर्फ यही है, एक ये कंपार्टमेंट है और एक ये कंपार्टमेंट है, सिर्फ 2 ही कंपार्टमेंट मिलते हैं। इसमें भी कोई और पॉकेट वगैरह नहीं है, बस इतना सा ही है। तो यहाँ पे बैग की तरफ देखें तो देखिए ये चीज़ नए टाइप से इन्होंने दी है सो दैट कि ये लटकते रहते हैं। अब ये वाला ऑप्शन होने के बाद ये लटकेंगे नहीं, आप यहाँ से इस तरीके से रखेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, ये लटकते भद्दे नहीं लगेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रैप्स की बात करें तो देखिए ये स्ट्रैप्स पीछे से देखें तो यहाँ से भी
एयर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हो जाता है इसके अंदर भी। यहाँ पे भी पूरी तरह से मैश डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आप यहाँ पे डालने के लिए कोई जगह इसमें नहीं दी गई। कहीं पे हैंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये एंटी थेफ्ट पॉकेट दी गई है। एंटी थेफ्ट पॉकेट में यहाँ से काफ़ी अच्छा साइज़ मिल जाता है आपको, जिसमें आप अपना पर्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। ये आप ट्रॉली के लिए ऊपर लगाना चाहें तो इस तरीके से आप इसको लगा पाएंगे। दोनों तरफ बोतल होल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे भी बोतल होल्डर है, आप बोतल वगैरह रखना चाहें या इस तरह कोई भी चीज़, और इसके अंदर भी बोतल होल्डर है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये कुछ ऑप्शंस मिलते हैं इस बैग के अंदर। और वाटरप्रूफिंग का यहाँ पे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, इस तरह की ही सिंपल चेन है, सिंपल दिखने वाली, ओपन दिख रही है ये चेन्स। इसको अपने कंधे पर लटका के चलते हैं तो साइज़ आई थिंक नॉर्मल सा ही है, इतना ज़्यादा बड़ा भी महसूस नहीं होता और ज़्यादा छोटा भी महसूस नहीं हो रहा है, काफ़ी ठीक ठाक साइज़ का यहाँ पे नज़र आता है। हाँ, इनको छुपाने के लिए कोई जगह इसमें नहीं दी गई सो दैट कि ये छुप पाएँ। आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इसको ख़रीदना चाहें तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बस एक ही कमी मुझे यहाँ पे लगी कि इन्होंने इसके साथ रेन कवर और दे देते तो ये एक बेस्ट बैकपैक बन सकता था, क्योंकि क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी है। ओवरऑल बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी का ये बैग है। आई थिंक इस प्राइस रेंज के अंदर एक बहुत यूजफुल प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। सो आप ख़रीदना चाहें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से ख़रीदें। और उसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।